नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं स्थित हूँ तिल्दा नेवरा के दशहरा मैदान में, जहाँ पर शिव महापुराण कथा के आयोजन होने वाली है। वैसे तो मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि कहाँ पर होगी, कैसे होगी, आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं, फिर भी आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, शिव महापुराण कथा का आयोजन 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में तिल्दा नेवरा के दशहरा मैदान में होने वाली है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। और ये देखिएगा, इस साइड पंडाल बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, कुछ ही और बचा हुआ है। तो फिर चलिए आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। और एक और अपडेट है दोस्तों कि आप लोग कथा स्थल तक आप लोग अपनी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह नहीं ला सकते हैं। लगभग 4 किलोमीटर पहले ही आप लोगों को अपना बाइक गाड़ी वगैरह छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या रीज़न है, कैसे, मैं लास्ट में बताऊँगा। फिर चलिए आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टोटल डोम की अगर मैं बात करूं तो 2, 4 और 6 डोमें टोटल लगी हुई है, और उस तरफ भी और पंडाले वगैरह लगी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा ये इनका प्रवेश द्वार हो गया, और इस तरफ कुछ कुछ दुकान वगैरह यहां पर लगेंगे, स्टॉलें वगैरह यहां पर लगेगी। और ये मैदान जो है कि सामने में हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, उनके पीछे में यह दशहरा मैदान है। आप लोग आएंगे तो आप लोगों को मैदान मिल जाएगा। और चले फिर अंदर चलेंगे, अंदर की क्या व्यवस्था है, कितनी दोस्तों, यहाँ मुख्य पंडाल है, और मुख्य पंडाल की सजावट आप लोग देखिए किस तरह से सजावट है। ऊपर आप लोग देखिएगा तो पंखा वगैरह भी लगी हुई है, और सामने में व्यासपीठ बन रहा है, ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं, वो भी थोड़ा बहुत सजावट उनका बचा हुआ है। और जितने भी पंडाले हैं सभी पंडाले वाटर प्रूफ है। दोस्तों, इस तरफ भी आप लोग देखिएगा तो इस तरफ भी डोमे लगी हुई है, और उस तरफ भी और अलग अलग पंडाले बनाई गई है। टोटल मैं डोम की अगर बात करूं तो आगे पीछे कर 6 डोमें बनी हुई है। इसके अलावा और अलग अलग पंडाले यहां पर बनाई जा रही है, और सभी पंडाले वाटर प्रूफ हैं। इसके अलावा आप लोग इस साइड ये देखिएगा तो पानी निकासी के लिए भी यहां पर गड्ढा खुदाई करके बनाया गया है, और LED लगना भी चालू हो चुका है। दोस्तों, ये देखिएगा आप लोग, इस तरफ भी LED लग चुकी है, वहाँ भी LED लग चुकी है, तो LED लगना भी चालू हो चुका है। नज़दीक चलेंगे, व्यासपीठ की सजावट किस तरह से है, किस तरह से व्यासपीठ को सजाया जा रहा है, उसे भी आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और इस तरफ जो पंडाले हैं वो कुछ कुछ बचा हुआ है दोस्तों, ये भी जब 1 तारीख आएगा तब तक यहाँ सब रेडी हो चुका रहेगा। और सभी पंडाले आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि वाटर प्रूफ है, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत बरसात के दिनों में भी नहीं होने वाला है। जितने लोग काम करने आए उससे ज़्यादा लोग तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखिएगा, सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि कब कथा चालू हो, कब हम लोग कथा का श्रवण करें। और बहुत से लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों से और अलग अलग हमारे छत्तीसगढ़ के ज़िलों से भी लोग आएंगे। दोस्तों, खासकर छत्तीसगढ़ के हमारे अलग अलग ज़िलों से तो लोग आएंगे ही, अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आएंगे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि हर जगह आते हैं तो यहाँ भी तो आना ही चाहिए। और सामने की अगर मैं बात करूं तो सामने जो व्यासपीठ जो बन रही है, उनके पीछे की जो सजावट है वो कुछ पत्थरों, पहाड़ पत्थरों की तरह लग रहा है। पास चलकर आप लोगों को दिखलाऊंगा, दूर से उतना ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है, नज़दीक चलते हैं और नज़दीक चलकर आप लोगों को मैं दिखला दूँगा। पूरे पंडाल को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये जजमान परिवार वालों का हिस्सा है। नीचे आप लोग देखिएगा तो पूरा प्लाईवुड वगैरह लगी हुई है, क्योंकि बरसात का दिन है इसलिए। सामने आप लोग देखिएगा तो भव्य मंच यहाँ पर बनकर रेडी हो रही है, व्यासपीठ यहाँ पर बनकर रेडी हो रही है दोस्तों, और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर अलग अलग शिवलिंग विराजमान होंगे, उज्जैन के राजा महाकाल भी यहाँ पर विराजमान होंगे। ये देखिएगा जो पीछे जो खाली हिस्सा दिख रही है, वहाँ पे जो उनकी फोम से बनाए हुए हैं उसे लगाया जाएगा। अभी भी सजाने का काम जारी है दोस्तों, ये देखिएगा आप लोग, और नीचे में आप लोग देख रहे होंगे तो वहाँ पर सब फोम से बने हुए शिवलिंग स्थित है, और उस सभी फोम के बने हुए शिवलिंग को ऊपर में रखा जाएगा, और रखने के बाद बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और बीच वाले हिस्से में उज्जैन के राजा महाकाल विराजमान होंगे, उनके भी शिवलिंग को फोम से बनाए हुए हैं, और पूरा लगने के बाद आप लोगों को एक बार मैं फिर से दिखलाऊँगा कि किस तरह से दिखता है, और वाकई में लगने के बाद बहुत ही अच्छा तो लगेगा ही।
दोस्तों आप लोगों को एक बार मैं फिर से बता दूं, इस शिव महापुराण कथा का नाम रहेगा कांवड़ शिव महापुराण, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगी। तिलदा नेवरा के दशहरा मैदान में है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे में यह कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है। दोस्तों अगर आप लोग बाहर से आते हैं तो आप लोगों के लिए खाना की भी व्यवस्था की गई है। गांधी राइस मिल और श्यामा राइस मिल परिसर में आप लोगों के लिए भोजन भंडारी की व्यवस्था भी की गई है। बता दूं दोस्तों कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शहर के अंदर आप लोग बाइक कार जितने भी गाड़ियां हैं उसे अंदर प्रवेश नहीं करा सकते, पूर्णतः प्रतिबंध है। और टोटल 4 पार्किंग बना हुआ है, जितने भी पार्किंग है तिलदा नेवरा के सब आउटर में है। तो कथा स्थल से उनकी दूरी की अगर बात करूँ तो सभी जो पार्किंग है उनकी दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में आप लोगों को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में ही आप लोगों को बाइक कार पार्क करके आप लोगों को आना होगा। हालांकि आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पूरा पार्किंग एरिया है, सिनौधा का पार्किंग एरिया है। सिनौधा से कथा स्थल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और ये वाली रोड सीधा हथबन भाटापारा और बलौदा बाजार भी आप लोग जा सकते हैं। इस रूट से आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बाइक सिनौधा में ही पार्क करना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग सीधा तिलदा नेवरा कथा स्थल तक जा सकते हैं। दोस्तों सिनौधा से कथा स्थल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है तो आप लोगों को बाइक वगैरह कार वगैरह यहीं पार्क करके आप लोगों को जाना होगा। आप लोगों को ले जाने के लिए यहाँ पर जो ऑटो वगैरह ई रिक्शा वगैरह सब उपलब्ध रहेगी, आप लोगों को निःशुल्क यहाँ से कथा स्थल तक ले जाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को एक बार मैं फिर से बता दूं, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक तिलदा नेवरा शहर के अंदर बाइक कार वगैरह ले जाना वर्जित है, पूर्णतः प्रतिबंध है। शहर के बाहर में 4 पार्किंग बनाया गया है दोस्तों, सिनौधा कोटा गवर्नमेंट आईटीआई तिलदा नेवरा का, इसके अलावा एक और है। तो जितने भी चारों दिशा में आप लोगों के लिए पार्किंग बनाई हुई है। और दूरी की अगर बात करूँ पार्किंग की तो लगभग सभी की दूरी कथा स्थल से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में आप लोग आते हैं तो पार्किंग एरिया से आप लोगों को कथा स्थल तक ले जाने के लिए निःशुल्क ई रिक्शा वगैरह उपलब्ध रहेगी, तो आप लोगों को कथा स्थल तक जाने के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर आज का वीडियो बस इतने तक ही था। उम्मीद है आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।